कुछ मीठा खाने का मन है तो क्यों ना इस रेसिपी के साथ कुछ नया ट्राई किया जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीनू और रीनू की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे फटे हुए दूध से वाइट स्पंज, वो भी घर पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी रेसिपी को। दोस्तों लगभग 1 किलो दूध में से 1 कप पनीर निकला है, इसे हमने छान कर अलग कर लिया है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि इसमें अभी भी पानी है। तो हम इसमें से जो बचा हुआ पानी है पहले उसे अलग करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक कॉटन का कपड़ा। इस तरह से आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें इस पनीर को डालना है। डालने के बाद हमें कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर घुमाते हुए इसमें जो बचा हुआ पानी है उसे निकालना है। लेकिन दोस्तों हल्के हाथों से हमें इसे घुमाना है जिससे कि इसमें जो पानी है वो अपने आप निकले, वरना हमारा जो स्पंज होगा वो इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। दोस्तों हमने उस पनीर को अच्छे से ढककर रख दिया था जिससे कि उसमें जो बचा हुआ पानी हो वो अपने आप निकल जाए। अब हम इसे हटाएंगे तो आप देख सकते हैं जो भी इसमें बचा हुआ पानी था वो इस प्लेट में दिखाई दे रहा है, यानी कि अब हमारे इस पनीर में से पूरी तरह से पानी निकल चुका है। अब हमें इसे एक बर्तन में लेना है, बर्तन में निकालना है और फिर उसे अच्छे से हमें मलना है अपनी हथेलियों से। इस तरह से हमें अपनी हथेली से अच्छे से इसे मलना है। मलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। दोस्तों अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो कढ़ाई की जगह कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बस इतना याद रखें कि जो भी बर्तन या आप पैन यूज़ कर रहे हैं वो ब्रॉड होना चाहिए। अब हम कढ़ाई में 5 कप पानी ऐड कर देंगे। इस तरह हमने 5 कप पानी ऐड कर लिया है। चूंकि हमने 5 कप पानी लिया है इसलिए अब हम 1 कप शुगर लेंगे। 1 कप शुगर इसमें अच्छे से हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे चलाते रहना है जिससे कि जो शुगर है इसमें वो डिसॉल्व हो जाए। याद रखिए हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी। देखिए दोस्तों स्पंज बनाने के लिए हमारा डो पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसके छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से अपनी दोनों हथेलियों के बीच लेकर इसे घुमाना है। इस तरह हमें बॉल्स बनानी है, इसी प्रकार हम सारी बॉल्स बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो शुगर हमने वाटर में ऐड किया था वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें जो बॉल्स हमने बनाई थी उन्हें डालना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे, जो हमने पहले लो मीडियम रखा हुआ था। अब हम कढ़ाई में बॉल्स को डालना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें कि सभी बॉल्स को एक साथ ना डालें, एक एक करके हमें इसमें बॉल्स को डालना है। इस तरह से हम सभी बॉल्स को कढ़ाई में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इन्हें ढककर 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो वाटर है वो हमने पहले से गर्म किया हुआ है, आप इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। दोस्तों लगभग 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे स्पंज पूरी तरह से तैयार हैं, ये देखिए। तो लीजिए दोस्तों तैयार हैं हमारे वाइट स्पंज। अब आप इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए जिससे ये ठंडे हो जाए, फिर आप इन्हें सर्व कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।